हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग कैफे में आपका स्वागत है। आज हम आपसे शेयर करेंगे एकदम फ्रेश आंवले का जूस कैसे बनाते हैं। आंवले के पेड़ से प्लक किए हुए ताज़ा आंवले का जूस बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम पेड़ से आंवले प्लक करेंगे और बाद में इसका जूस बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये विलेज सीरीज का वीडियो है। यदि आपने हमारी विलेज सीरीज की और भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएंगे, तो इसे जरूर चेकआउट कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे आंवले के पेड़ की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये आंवले का पेड़ है और इस पर छोटे छोटे आंवले हमें दिखाई दे रहे हैं। आंवले के पेड़ की डाल बहुत ही नीचे है तो मैं आराम से इसे प्लक कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी अभी प्लग किए हुए आंवले कितने फ्रेश नजर आ रहे हैं। हमने बहुत सारे आंवले प्लग किए हैं और सभी का हमें जूस नहीं बनाना है, हम थोड़े का ही जूस बनाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले आंवले लेने हैं और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है और इसके बीज निकाल लेने हैं। बीज हमारे कोई काम नहीं है तो बीज को हम निकालेंगे और इसे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, आंवले हेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये बालों का झड़ना कम करते हैं और समय से पहले बालों को सफ़ेद होने से रोकते हैं। साथ साथ विटामिन सी की मौजूदगी के कारण ये इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। ये दिमाग को तेज करता है, दांतों को मजबूत बनाता है। अदरक और शहद के साथ खाने से खांसी जुकाम में भी राहत मिलती है। ये पाचन शक्ति बढ़ाने में भी मदद करता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसका जूस बनाकर, मुखवास बनाकर, आंवले की कैंडी बनाकर, बहुत सारी चीजें बनाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे आंवले पीसेस को हम मिक्सी जार में ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लेमन जूस। मैंने हाफ लेमन पीस लिया है, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, इसको भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्सी जार में पीस लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा आंवला जूस बनकर तैयार हो गया है। इसे हम छलने से छान लेंगे। यदि आप इसमें लेमन या फिर सॉल्ट ऐड नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आंवले का ही जूस आप बनाकर पी सकते हैं। इसमें आप शहद भी मिलाकर पी सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आंवले का जूस निकाल लेने के बाद ये जो पल्प बचता है, इसको आप सुखाकर मुखवास के तौर पर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा आंवले का जूस। इसे आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर बनाकर सबको पिलाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सबके साथ शेयर करना ना भूलें।